I'm going to cut across to the Lok Sabha where Speaker Om Birla is addressing the House. Let's take a listen. अन्य पिछड़ों के आरक्षण से संबंधित संविधान 127 में सभी दलों की सहमति से सदन चला। मैं इस मौके पर प्रधानमंत्री जी सभी दलों के नेताओं को धन्यवाद देता हूं जिनका सदन में योगदान रहा। विधेयकों के बारे में मैंने सूची आपको दिए और इन विधेयकों की डिटेल की सूची आपको और भेज दी जाएगी। सदन में आप सभी लोगों का सकारात्मक योगदान रहा। कोविड की परेशानी के बाद भी आपने सदन के कामकाज को सकारात्मक रूप से देश के सामने रखा। हर पहलू को आपने देश के सामने रखा। मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि भविष्य में भी सदन का कामकाज अधिक हो, हम सकारात्मक रूप से संदेश दे सकें। देश की जनता की भी अपेक्षाएं रहती है कि सदन चलना चाहिए ताकि हमारी अपेक्षाएं, हमारी आकांक्षाएं सदन में के माध्यम से सरकार तक पहुंच सके और यही प्रयास मेरा हमेशा होता है। कई दौर की वार्ता भी कही गई लेकिन कई मुद्दों के कारण सफलता नहीं मिली। मैं आशा करता हूं कि भविष्य के अंदर सदन के कामकाज को हम और अधिक देर तक चलाकर जो मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई उन पर अगले सत्र में चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, क्योंकि संसद लोकतंत्र का वो मंदिर है जहां पर हम देश के बुनियादी सवालों को उठाते हैं। और जब आजादी के 75 साल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इस 75 साल की यात्रा में हमारे देश के विकास कितना हुआ और भविष्य में क्या क्या विकास की संभावनाएं हैं उस पर भी चर्चा होती तो उपयुक्त रहता। मुझे पूर्ण अपेक्षा है कि आपका इसी तरीके से सकारात्मक सहयोग मिलता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आपने इस सत्र की शुरुआत से पहले कहा था, मैं इधर हूं शैलेंद्र मिश्रा दूरदर्शन से, कि सांसदों से अपील की थी कि तख्तियां लेकर वो ना आए वेल में, लेकिन इस बार के सत्र में तो देखने को मिला कि लगातार कई विपक्षी दलों के सांसद तख्तियां लेकर वेल में आए, नाराबाजी हुई। दूसरे सदन में तो इससे और भी आगे जाकर देखने को मिला कि पर्चे फाड़े गए, तो इन सब पर क्या कहना चाहिए? मेरी माननीय सभी माननीय सांसद सदस्यों से अपेक्षा रहती है कि हम सदन की उच्च मर्यादाओं को बना रखें। हमारी संसदीय मर्यादा बहुत उच्च कोटि की रही है। इस संसद के अंदर वाद विवाद भी हुए हैं, सहमति असहमति भी हुई है, लेकिन फिर भी संसद की मर्यादा नहीं गिरी। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि संसदीय परंपराओं के अनुसार सदन चले, सदन की मर्यादा बनी रहे। तख्तियां, नारे, ये हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप अपनी अपनी सीटों पर जाकर अपनी अपनी बात कहें। मैं बीएससी के अंदर भी और सर्वदलीय बैठक में भी इस अपेक्षा के साथ सहयोग के लिए सबसे अपेक्षा करता हूं। भविष्य में और कोशिश करेंगे कि हम इन मर्यादाओं को बनाए रखें।
सर स्पीकर साहब हमारा सवाल लोकसभा सत्र शुरू होने से पहले और राज्यसभा सत्र शुरू होने से पहले सर मैं इधर हूँ। हर विपक्षी पार्टी की एक बैठक होती है आपके साथ भी और सदन के उप सभापति जी के साथ, फिर ऐसी क्या स्थिति आ जाती है कि वही सदस्य जो आपको प्रॉमिस करते हैं कि सदन शांतिपूर्वक चलेगा और उसमें बहस होगी और वहां जाके वो चेंज हो जाते हैं? मैं परंपराओं के अनुसार सभी दलों के नेताओं से सदन चालू होने के पहले चर्चा करता हूं, संवाद करता हूं, उनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा हो इसका प्रयास करता हूं। और इसीलिए सभी दल के नेता सकारात्मक सहयोग का आश्वासन देते हैं। कुछ मुद्दों को लेकर जब आपस में टकराव होते हैं, मतभेद होते हैं, तो फिर चर्चा की जाती है, क्योंकि चर्चा और संवाद से ही समाधान के रास्ते निकलते हैं। इस बार भी कोशिश की लेकिन समाधान नहीं निकला। आपने जो कहा कि और जब बैठक के पहले और चर्चा करेंगे और संवाद करेंगे ताकि समाधान निकले। स्पीकर साहब हम इधर इन दिनों से ये जो लोकसभा की कार्रवाई हुई इसमें तो भी इस परिस्थिति में भी जीरो आवर में कितने मेंबर पार्लियामेंट ने भाग लिया? शून्यकाल नहीं चला, शून्यकाल इस बार नहीं चला। प्रश्नकाल मैंने जो बताया आपको 66 प्रश्न लिए गए तारांकित, लेकिन शून्यकाल पर चर्चा नहीं हो पाई। सर मैं विनीत हूँ न्यूज 18 से। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि लगातार सदन नहीं चलने के कारण जिस तरह से लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान हो रहा है, कैसे जिम्मेदारी तय करेंगे सभी की, सांसदों की, विपक्ष की पार्टी की या सत्ताधारी पार्टी की? ये बात सही है कि सर इससे जुड़ा सवाल है कि क्या कोई आंकड़ा या अनुमान है कि जो 74 घंटे काम नहीं हुआ कितना पैसा बर्बाद गया? ये बात सही, चिंता है आपकी कि करोड़ों रुपया खर्च होता है संसद की कार्रवाई के लिए। जब संसद नहीं चलती तो जनता भी व्यथित होती है, दुखी होती है, और मैं विशेष रूप से बहुत व्यथित और दुखी होता हूं। और जनता की अपेक्षाएं रहती है कि सदन चले, लेकिन सहमति असहमति हमारी सदन की मर्यादा रही है, लेकिन सदन न चलना इसके लिए मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा चर्चा से सदन चलाने की, सहमति असहमति वाद विवाद ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाती और गतिरोध कायम रहता है। जहां तक आपने कहा कितना पैसा खर्च होता है, क्योंकि लगातार सदन चलता है जब पूरे बजट के अनुमान के अनुसार कितना पैसा किस दिन खर्च होता है ये हम आपको निश्चित रूप से जानकारी देंगे कि एक दिन में कितना पैसा सदन पर खर्च होता है, ताकि देश की जनता को सही से जानकारी मिल सके कि हमारे धन का सदुपयोग हो पाया नहीं हो पाया। सर चर्चा होना ना होना एक चीज है, लेकिन जिस प्रकार से चेयर की तरफ कागज फेंक के उछाला जाता है ऐसी चीजें की जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा शर्मनाक तस्वीर दिखती है, उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई? जब हमारे नियम प्रक्रिया में भी है कि बेल मनाना, तख्ती न लगाना, नारेबाजी न लगाना, और ये अपेक्षाएं हम सभी मान्य सदस्यों से करते हैं, सभी दलों के नेताओं से करते हैं कि वह अपनी बात को रखें, लेकिन सदन में तख्तियां, नारेबाजी ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें संसद की मर्यादा को और बढ़ाने के लिए सामूहिकता से प्रयास करना चाहिए, और उनके दल के नेताओं को भी हम बार बार आग्रह करते हैं कि वह अपनी बात कहें लेकिन संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप कहें, नियम प्रक्रियाओं के तहत बोलें,
और जो आप बार बार कहते हैं हमारी नियम प्रक्रिया बनी थी, उस समय भी कहा था कि तख्तियां नारेबाजी आना सदन की संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। और हम जब संसदीय अध्यक्षों की बैठक करते हैं, पीठासीन अधिकारियों की बैठक करते हैं, उसमें भी लगातार ये हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है कि किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को के अंदर चर्चा हो, संवाद हो, अपने अपने विषय की बातचीत हो, सहमति असहमति भी हो, लेकिन कभी भी लोकतांत्रिक संस्थाओं में नारेबाजी, तख्तियां, व्यवधान, गतिरोध, इसको हमें कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए लगातार पीठासीन अधिकारियों की एक कमेटी भी बनी है, हम और प्रयास करेंगे कि इसी कार्रवाई को, ऐसी गतिविधियों को हतोत्साहित किया